नमस्कार, स्वागत है आपका समाजी एजुकेशन में। पिछले वीडियो में हमने जो चर्चा की थी वो इलेक्ट्रिक डाइपोल पर की थी। इस वीडियो में हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है और इलेक्ट्रिक फ्लक्स में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको समझने के लिए हमें जो कुछ चीजें चाहिए वो ये है। एक तो हमें एरिया वेक्टर के बारे में समझना पड़ेगा, दूसरा एक सॉलिड एंगल। इन दोनों के बारे में जो हम समझेंगे तब हम जाके इलेक्ट्रिक फील्ड को समझ पाएंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझ पाएंगे। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर पहुंचने से पहले जो हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड पर वीडियो बनाया था समाज एजुकेशन पर ही, आप उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, वहां पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो एरिया वेक्टर क्या होता है? एरिया वेक्टर अगर हम किसी भी एक सरफेस की बात करें तो सरफेस को अगर हम इस एरिया को देखें तो इस एरिया के जस्ट बाहर की ओर परपेंडिकुलर इसकी एक डायरेक्शन। वेक्टर नाम से पता चल रहा है कि इसके परिमाण के साथ साथ, रिजल्टेंट के साथ साथ कुछ ना कुछ डायरेक्शन भी होगी। तो अगर हम किसी भी एक सरफेस की बात करें, जैसे ये सरफेस हमने ले लिया, तो इस सरफेस की जो डायरेक्शन होगी वो इसके परपेंडिकुलर बाहर की ओर होगी। ठीक है, ऐसे ही मेरा हैंड है, आपको तेजी से लंबवत बाहर की ओर ऐसे रखेंगे तो इस तरीके से, अगर ऐसे रखेंगे तो इस तरीके से। मतलब किसी भी एक सरफेस की जो डायरेक्शन होती है वो ऑलवेज इसके परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं एरिया वेक्टर। इसको हम डिनोट करते हैं ए वेक्टर से ए और एरिया, और इसको हम लिख सकते हैं एन कैप डॉट ए। एन कैप यहां पर शो करता है यूनिट वेक्टर, एन कैप यहां पर एक यूनिट वेक्टर है और ए और ए, तो ए वेक्टर इज इक्वल टू एन कैप ए। सेकेंड चीज मैंने कहा कि हमें समझनी है यहां पर सॉलिड एंगल। तो सॉलिड एंगल क्या होता है? सॉलिड एंगल को समझने के लिए हम सबसे पहले एक प्लेन एंगल की बात कर लेते हैं। तो प्लेन एंगल क्या होता है? आप जानते होंगे कि अगर हम एक किसी भी सर्किट की बात करें तो उस सर्किट के किसी भी एक चाप के द्वारा इसके केंद्र पर जो कोण अंतरित होता है, जो कोण बनता है, उसको हम प्लेन एंगल। ठीक है, इसको हमने डेटा से शो कर दिया। तो किसी भी चाप के द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण को क्या बोलते हैं? समतल कोण कहते हैं या प्लेन एंगल बोलते हैं। अब सॉलिड एंगल क्या है? तो सॉलिड एंगल, अगर हम एक सॉलिड की बात करें तो सॉलिड जैसे कि ये एक बॉल है, तो इस बॉल के सरफेस को अगर हम देखें तो इस सरफेस के, छोटे से सरफेस के द्वारा इसके केंद्र पर जो कोण अंतरित होगा उसको हम बोलेंगे सॉलिड एंगल। क्योंकि ये सॉलिड है तो इस सॉलिड के सरफेस से जो केंद्र, अब यहां पर हम समझ लेते हैं इस तरीके से, मान लेते हैं कि ये एक गेंद है इस तरीके से, तो इसके इस भाग से यहां पर जो एंगल बन रहा है इस एंगल को हम बोलेंगे सॉलिड एंगल, और इसको हम शो करते हैं ओमेगा से। ठीक है, तो ओमेगा जो होता है वो सॉलिड एंगल को शो करता है। अब यहां पर मान लें कि ये जो सरफेस है ये बहुत ही स्मॉल है, मतलब डी ए हमने ले लिया, छोटा सा एक सरफेस मान लिया, एरिया मान लिया। तो इस डी ए सरफेस के द्वारा, एरिया के द्वारा यहां पर जो एंगल होगा वो होगा डी ओमेगा, और इस डी ओमेगा की जो वैल्यू होगी वो होगी डी ए अपॉन यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है, यानी कि जो रेडियस इसकी है वो आर स्क्वायर। तो डी ओमेगा की जो वैल्यू होती है वो होती है डी अपॉन आर स्क्वायर। ओके, तो ये है सॉलिड एंगल। अब यहां पर सॉलिड एंगल को हमने समझ लिया, यूनिट वेक्टर एरिया वेक्टर को हमने समझ लिया। अब ये एरिया जो वेक्टर है इसकी जो वैल्यू होगी वो कैसे देखेंगे? अब यहां पर तो हमने छोटे से के लिए लिखा है डी ए के लिए, अब ये क्या है? पूरा एक स्फीयर है, ठीक है, एक सर्किल है। तो सर्किल का जो एरिया होता है वो कितना होता है? वो होता है ए इज इक्वल टू 4πr². ये होता है, ये वैल्यू जो हम यहां पर रखेंगे डी ए की जगह हो जाएगा ओमेगा इज इक्वल टू, डी ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा की वैल्यू 4πr² r² 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 r²
मतलब हम कह सकते हैं कि जो सॉलिड बॉडी होती है कोई भी एक बंद परिपथ होता है, बंद पास होता है, तो उसके लिए जो विगम सॉलिड एंगल होता है वो ऑलवेज कितना होता है, 4π होता है। क्लियर हो गया आपका इतना? ठीक है, अब यहीं से हम बात कर लेते हैं कि कोई एक पॉइंट है, इस पॉइंट से आर डिस्टेंस पर कोई एक इस तरीके का लीवर है, ठीक है। अब इस एरिया डीए के द्वारा यहां पर एंगल बताया आपको डी ओमेगा, तो डी ओमेगा की वैल्यू से करेंगे, यहां से हमने इस तरीके से इसका एक यूनिट वेक्टर लिया, इसको हमने ले लिया कि आप एक एन के ये यूनिट वेक्टर है इसका। अब यहां से हम एक इसकी डायरेक्शन ले लेते हैं इस तरीके से, जो कि क्या है इसके परपेंडिकुलर है, ठीक है। इस तरीके से हमने एक एरिया लिया, इसकी जो डायरेक्शन होगी वो कहाँ होगी, इस ओर होगी। हमने कहा था कि सरफेस के परपेंडिकुलर होगी, तो ये जो सरफेस है इसके परपेंडिकुलर होगी, यहाँ पर ये हो जाएगा भाई क्या होगा एंगल थीटा। अब हमने कह दिया कि ये जो डीए है, इस डीए और एन कैप के बीच बनने वाला जो एंगल है वो थीटा है, तब इस कंडीशन में डी ओमेगा की जो वैल्यू होगी वो होगी डी ए कॉस थीटा और आर स्क्वायर। डीए कॉस थीटा क्यों आया, क्योंकि यहां से ये डायरेक्शन है डीए की और हमें चाहिए ये डायरेक्शन, तो इसका जो घटक होगा वो होगा क्या, कंपोनेंट क्या होगा, डीए कॉस थीटा। क्लियर हो गया होगा, डीए कॉस थीटा क्योंकि इसका एक कंपोनेंट है, तो हमने कॉस थीटा वाला कंपोनेंट यहाँ पे ले लिया है, तो डी ओमेगा इज इक्वल टू डी ए कॉस थीटा और आर स्क्वायर। क्लियर है इतना? चलिए अब आते हैं जो हमारा एक टॉपिक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझ लेते हैं यहाँ पर। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझने से पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी एक चार्ज के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर कोई एक अन्य चार्ज एक बल का अनुभव करता है, विद्युत बल का अनुभव करता है, उसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। इसे हमने पिछली वीडियो में समझाया था, आपने अगर कोई वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वो आप देख सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो ऑलवेज पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर होती है, इस तरीके से। अब यहां पर हमने चर्चा भी की थी कि जहां पर लाइन जो होती है इलेक्ट्रिक लाइन वो नजदीक होती है वहां पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, प्रबल होता है, ठीक है। और जहां पर भी ये दूर होती है वहां पर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कमजोर होता है, दुर्बल होता है। तो हम कह सकते हैं कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, प्रबल होगा, स्ट्रांग होगा, और यहां पर ये इस जगह यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा क्या होगा, वीक होगा, ओके, कमजोर होगा। तो अब ये इसका इससे क्या कनेक्शन है, तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स के द्वारा ही हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाइंड करते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाइंड करने के लिए मान लेते हैं कि कोई भी एक स्वतंत्र रूप से एक इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इस प्रकार का है, ठीक है। अब यहां पर कोई भी एक हम सरफेस मान लेते हैं, इस तरीके का हमने एक सरफेस मान लिया। अब इस सरफेस से होकर गुजरने वाली जितनी भी बल रेखाएं हैं उनकी संख्या ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाती है। ये जो सरफेस हमने माना है, ये सरफेस, इस सरफेस से होकर गुजरने वाली इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स ही क्या कहलाती है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाती है, ठीक है। अब इसकी डायरेक्शन देखनी पड़ेगी हमें, क्योंकि डायरेक्शन हमने अभी यूनिट एरिया वेक्टर पढ़ा था, एरिया वेक्टर में हमने एक इमेजिनरी सरफेस ही माना है। अब इस इमेजिनरी सरफेस की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, परपेंडिकुलर टू आउटवर्ड होगी। तो यहां से हम एक छोटा सा सरफेस मान लेते हैं कि ये जो वही एरिया वेक्टर डीए है और इसकी जो डायरेक्शन है वो इस तरीके से है, आउटवर्ड ये है डीए, ठीक। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है ये है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, ठीक। तो इनके बीच का एंगल कितना हो गया, थीटा हो गया। अब इस थीटा की मतलब अब इसका जो मान निकालना है फाइव, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझते हैं फाइव ई से,
तो फाई की जो वैल्यू रहेगी फाइनली वो रहेगी इलेक्ट्रिक फील्ड ई डॉट डी ए वेक्टर, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो वैल्यू होगी वो कितनी रहेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया वेक्टर। अब इसको अगर बढ़ाएंगे तो फाई की जो वैल्यू मिल जाएगी हमें वो मिल जाएगी डी ए कॉस थीटा। फिर कॉस थीटा क्या है, थीटा यहाँ पर ये है, ठीक है, थीटा क्या है यहाँ पर ये वहां होगा। तो आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझ गए होंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, किसी भी एक इमेजिनरी सरफेस को हमने ले लिया इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स में या इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो उस इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स की जितनी भी संख्या होगी उस सरफेस से होकर गुजरी हुई वो सारी की सारी इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाएंगे, ठीक है। मान लेते हैं कि ये एक सरफेस है, इस सरफेस से होकर ये पांच रेखाएं गुजर रही, ये पांच रेखाएं यहां से जाती, तो ये पांच की पांच रेखाएं क्या करेंगी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के अंतर्गत आएगी, मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मान कितना हो जाएगा, फाइव हो जाएगा, ठीक है। अगर ये एक सरफेस है यहां से एक ही रेखा केवल गुजर रही है परपेंडिकुलर, तो उसका जो मान होगा वो वन होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, वन हो जाएगा। तो किसी भी सरफेस से ऊपर जितनी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स गुजरती है वही उसका क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के। और इसको हम शुरू करते हैं फाई और सफिक्स में ई, ई फॉर इलेक्ट्रिक, तो फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट ए, क्लियर हो गया होगा, ये हो गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स।